सो अगर आप भी कुछ इस तरह की ट्रेंडिंग फोटो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये एडिटिंग सीखने के लिए आपको VNA एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पर आपको इसको ओपन करना है। ओपन करके आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर टैप करके ऊपर आपको न्यू प्रोजेक्ट इस पर आपको टैप करना है एंड यहाँ पर आपको अपनी गैलरी में से अपनी तीन फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तीनों फोटो को सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट वाले बटन पर टैप करके फोटो को ऐप अंदर एड कर लेना है। सो यहाँ पर हमारी तीनों फोटो ऐप के अंदर एड हो चुकी है जैसे कि देख सकते हो। तो आपको फोटो के लास्ट में आना है, यहाँ पर आपको लास्ट में इसका वाटरमार्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने फ्रेंड्स आपको इन फोटो का रेशो 9:16 करना है। वो करने के लिए आपको ऊपर ओरिजिनल इस पर आपको टैपना है एंड 9:16 इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो ये कनेक्टमेंट फ्रेंड्स आपको जो हमारी फर्स्ट फोटो इसकी ड्यूरेशन अभी 3 सेकंड हो रखी है तो आपको इसको 6 सेकंड सेट करना है। ओके 6 सेकंड पर आपको इसको सेट करना है तो इसको आपको इंक्रीज कर लेना है। तो इंक्रीज करके आपको इसको 6 सेकंड पर सेट करना है। आपको ऊपर की तरफ ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगी तो उसको देख के आपको इसको 6 सेकंड पर सेट कर देना है। सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट फोटो 6 सेकंड पर सेट हो चुकी है एंड यहाँ पे आपको जो सेकंड वाली फोटो इसको आपको 12 सेकंड पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे आपको इसको इंक्रीज करना है एंड यहाँ पे आपको इसको 12 सेकंड पे सेट कर देना है। सो यहाँ पे हमारी सेकंड वाली फोटो भी 12 सेकंड पे सेट हो चुकी है। सो ये कनेक्टन फ्रेंड्स आपको ये जो तीनों फोटो हमारी तीनों फोटो को आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना होगा। तो वो करने के लिए आपको नीचे की तरफ फिल्टर वाले बटन पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको ऊपर एडजस्ट वाले बटन पे टैप करके यहाँ पे आपको सैचुरेशन वाले आइकन को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको इसको फुल माइनस कर देना है। माइनस करके आपको ऊपर की तरफ ब्राइटनेस वाले को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको इसको वापस से माइनस की तरफ कर देना है। माइनस यहाँ पे आपको इसको 30 रख लेना है एंड कॉन्ट्रास्ट वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। 10 के आसपास आपको इसको रख लेना है एंड एक्सप्लोजर वाले को आपको सिलेक्ट करना है एंड इसको आपको माइनस की तरफ कर देना -15 या 16 ये करके आपको सिंपली लास्ट माना है। सो यहाँ पे आपको विकनेट वाले को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको इसको फुल कर देना। ओके तो ये करके आपको नीचे की तरफ अप्लाई टू ऑल इस वाले बटन पर आपको टैप करना है। तो ये फिल्टर इन तीनों फोटो के अंदर अप्लाई हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो ये कर लेना है। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसके अंदर एक वीडियो क्लिप को ऐड करना होगा। तो वो करने के लिए आपको ऊपर की तरफ टैप टू ऐड स्टिकर इस पर आपको टैप करना है। देन ही आपको फोटो एंड वीडियो इस पर आपको टैप करना है। देन ही आपको अपनी गैलरी में से एक वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाली वीडियो क्लिप है जैसे कि देख सकते हो। ये वीडियो क्लिप आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डाउनलोड करके आपको इसको ऐप के अंदर ऐड कर लेना है एंड यहाँ पर आपको इस वीडियो क्लिप को फुल स्क्रीन करना होगा। तो वो करने के लिए आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है एंड नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल नाम से। तो सिंपली आपको इसको ऊपर टैप करना है। तो जैसे टैप करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है तो आपको इसको इरेज करना होगा। तो वो करने के लिए आपको वापस से स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रोमा का। तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ये सर्कल देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसको ब्लू कलर पे सिलेक्ट करके आपको ये जो नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटेंसिटी और स्पिल का, आपको इन दोनों को फुल कर देना है एंड नीचे आपको राइट वाले बटन पे टैप कर देना है। तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो यह करके आपको इस वीडियो को गैलरी में सेव करना होगा। तो ऊपर आपको ब्लू कलर पर टैप करना है एंड नीचे आपको एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप करना है एंड इस वीडियो को आपको गैलरी में सेव कर लेना है। तो इस वीडियो को हम फटाफट गैलरी में सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा वीडियो गैलरी में सेव हो चुका है। तो सिंपली आपको बैक आ जाना है। सो बैक आने के बाद फ्रेंड्स हमने ये जो वीडियो क्लिप ऐड करी थी ऊपर वाली ब्लू कलर वाली, तो सिंपली आपको इसको डिलीट कर देना है एंड यहाँ पर हमारी ये जो तीनों फोटो है इनको आपको वापस से रंगीन करना होगा जैसे पहले थी, आपको वापस से इनको वैसे ही करना होगा। तो वो करने के लिए आपको वापस से फिल्टर पर आपको टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको ये रीसेट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपली टैप करना है इसके ऊपर एंड अप्लाई टू ऑल इस पर आपको टैप करना है। तो जैसे टैप करोगे तो तीनों फोटो हमारी पहले जैसी हो चुकी है जैसे देख सकते हो। तो आपको ये कर लेना है। ये करके आपको फोटो के ऊपर टैप टू ऐड स्टिकर इस पर आपको टैप करना है, फोटो एंड वीडियो इस पर आपको टैप करना है। देन ही आपको अपनी गैलरी में से अपने वीडियो को सिलेक्ट करना है जो अभी आपने सेव करी थी। तो सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर हमारी वीडियो ऐप के अंदर ऐड हो चुके हैं जैसे कि देख सकते हो। तो आपको इसको वापस से फुल स्क्रीन करना होगा। तो यहाँ पे आपको नीचे फिल वाले बटन पे टैप कर देना है। ओके एंड ये फुल स्क्रीन हो जाएगी।
सो ये कनेक्ट बन फ्रेंड्स, आपको ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको इसको इरेज करना होगा। तो वो करने के लिए आपको वापस से क्रोमा वाले बटन पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको ग्रीन वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड नीचे आपको ये दोनों को फुल कर देना है एंड राइट वाले बटन पे आपको टैप कर देना। सो ये कनेक्ट बन फ्रेंड्स, आपको वापस से टैप टू एड स्टिकर आपको इस पर टैप करना है एंड फोटो एंड वीडियो इस पर आपको टैप करना है एंड आपको अपनी गैलरी में से एक और वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना होगा। तो ये भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो एंड ऐप के अंदर आपको ऐड कर लेना है। सो ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्रॉप वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको 9x16 इसको आपको सिलेक्ट कर लेना ओके एंड राइट वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड ये कनेक्ट बन फ्रेंड्स आपको नीचे फिल वाले बटन पर टैप करके आपको इसको फिल कर देना, मतलब फुल स्क्रीन आपको इसको कर देना है। सो ये कनेक्ट बन फ्रेंड्स आपको ब्लेंडिंग वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको स्क्रीन वाले को सिलेक्ट कर लेना है। ये करके आपको नीचे राइट वाले बटन पर टैप करना है तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा एंड इसी के साथ यहाँ पे हमारा वीडियो रेडी हो चुका है जैसे कि देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप ये वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस करना जिससे हमारे ट्रेनिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब कर लेना, तो ऊपर की तरफ आपको ब्लू कलर पर टैपना है एंड एक्सपोर्ट वाले बटन पर आपको टैपना है एंड ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने लग जाएगी।